तो आज हम खेलने वाले हैं एक और न्यू गेम जिसका नाम है बैड नर्ड। तो इस गेम में बेसिकली हम होते हैं क्लास के टॉपर और हम एक क्विज कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और हम उसको जीत भी लेते हैं और प्राइज में हमें मिलता है एक लिमिटेड एडिशन की कॉमिक बुक। फिर उस कॉमिक बुक को लेकर हम स्कूल कॉरिडोर से मटक मटक के जा ही रहे होते हैं, तभी कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं और हमको पीट के हमारी कॉमिक बुक अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर हम भी ठानते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर उन बच्चों से हमारी कॉमिक बुक वापस लेके आनी ही है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बच्चा ज्यादा ही उछल रहा है, इसको जरूर पता होगा हमारी कॉमिक बुक कहाँ पे है। हाँ भाई, तेरे को पता है क्या हमारी कॉमिक बुक? तो मैंने इससे बातचीत कर ली है और ये कह रहा है कोई बच्चा इसके चिप्स के पैकेट लेके चला गया है। अगर हम उस बच्चे से इसके चिप्स के पैकेट वापस लाए तो ये हमें बता देगा हमारी कॉमिक बुक किसके पास है। ये बच्चा कह रहा था वो कॉरिडोर के आखिरी भी खड़ा है, तो आई थिंक यही है। एक भाई चुपचाप चिप्स का पैकेट वापस दे दे, मैं हूँ टॉपर, बाकी मेरे को कुंग फू वगैरह भी आता है। तो ये बातों से तो नहीं मान रहा, तो इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। पोज क्या दे रहा है, मार उसको। 5 minutes later. तो अब हमें मिल चुके हैं उसके चिप्स, तो फटाफट से चिप्स लेते हैं और उसको जाके देते हैं ताकि वो हमें बता सके हमारी कॉमिक बुक कहाँ पे है। तो ये लेते रहे चिप्स और बता अब कॉमिक बुक किसके पास है। तो अब हमें ये और भी काम दे रहा है, कह रहा है वहाँ पे दो लड़कियां उनके बैग में से पेंसिल बॉक्स चोरी करके लाओ। तो हमने इसे कर दिया साफ साफ मना, तो ये कह रहा है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एक काम कर, तू वो चिप्स का पैकेट ही वापस दे दे, इसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। वैसे हम इसे मर भी सकते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, फिर भी ट्राई करते हैं इसको मारने की। तो फाइनली हमने इसको मार दिया। अबे तू कौन है, चला जा वरना तेरे को भी मार दूंगा, वो तो मेरी हेल्थ कम है तो कुछ कह नहीं रहा मैं तेरे को। शायद तक इसको बताओ हमारी कॉमिक बुक के बारे में। तो ये कह रहे ये अपना मुंह नहीं खोल सकता, अगर खोलेगा तो इसको वो आके मारेंगे पीटेंगे, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये मैसेंजर भेजा था टी स्टिक ने, और टी स्टिक वही बंदा है जो हमारी कॉमिक बुक लेके गया है। और ये मैसेंजर कह रहे हैं कि हम अपनी कॉमिक बुक के बारे में भूल जाए, तो हमने इसको साफ मना कर दिया। मैसेंजर अब हमें मारेगा, तो हमने कौन सा हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, हम भी मारेंगे। जय महेश मति। 1 hour later. वो मेरी थोड़ी हेल्थ कम थी तो मैं मर गया। तो इस बार हम फुल हेल्थ के साथ आएंगे और उस टी स्टिक के मैसेंजर को कूट डालेंगे। मेरे को मारेगा। तो हमें पता चल चुका है जो टी स्टिक है उसका भाई एक गैंगस्टर है। तो ये भी हमें सलाह दे रहा था कि हम भूल जाए अपनी कॉमिक बुक, पर हम अपनी कॉमिक बुक भूल नहीं सकते, हमें कैसे भी करके लानी है। तेरे को पता है कुछ टी स्टिक के बारे में? तो ये कह रहे इसको टी स्टिक के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर इसको बचा लो क्योंकि कुछ टी बोर्ड और उसके गुंडे इसको मारने आ रहे हैं। तो हम इसको बचाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि स्टिक और टी बोन एक जैसे ही लग रहे हैं, तो पक्का दोनों रिश्तेदार होंगे। ये टी बोन नहीं है, ये टी बोन के गुंडे हैं। तो सबसे पहले इन गुंडों को खत्म करना होगा, फिर आएगा टी बोन। 5 hours later. तो इसके गुंडों को तो मैंने खत्म कर दिया है और ये टी बोन भी आ चुका है जो कि बहुत अट्टा कट्टा लग रहा है। तो इस टी बोन को भी इसके चमचों की तरह ही पेलेंगे, फिर इसे टी स्टिक के बारे में पूछेंगे। A few moments later. मैं खुद ही मर गया पहली बार में, तो क्योंकि मेरी हेल्थ इसके चमचों ने ऑलरेडी कम कर चुकी थी। तो मैं फुल हेल्थ के साथ आया हूँ, तो सबसे पहले इसके चमचों को दोबारा पेलना है। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में पेलते हैं इसके चमचों को। अरे सॉरी, मजाक कर रहा था, थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। 5 hours later. तो फाइनली हमने टी बोन को हरा दिया है और इसने हमें कहा है कि टी स्टिक इसका भाई है। मतलब उस बंदे ने बताया था कि टी स्टिक का भाई गैंगस्टर है, तो वो यही गैंगस्टर भाई था जिसको हमने अभी मार दिया है। इसने हमें ऑडिटोरियम की की दिया, तो फटाफट से चलते ऑडिटोरियम में और वहाँ पे मिलेगा हमें टी स्टिक। तो यहाँ ऑडिटोरियम तो बहुत बड़ा है, किससे जाके पूछे। तेरे को पता है टी स्टिक कहाँ पे है? वेलकम वेलकम छोटी स्टिक, बता कहाँ पे है। नहीं, मैं किसी का कोई काम नहीं कर रहा, मेरे को बस इतना बताओ टी स्टिक कहाँ पे है। तेरे को नहीं पता टी स्टिक कहाँ पे है? तो तू मर, सबको मार दूंगा मैं सबको। तो हमने अभी एक इनोसेंट बच्चे को मारा, तो ये सारे स्टूडेंट्स मेरे पीछे पड़ गए मेरे को मारने के लिए। वैसे ये बच्चा स्कूल में पढ़ता है क्या पढ़ाता है, छोड़ो अपने को क्या। तो ये बच्चे तो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ पे बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज का गेम प्ले मेरे को यही खत्म करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अब तो छोड़ दो पीछा।